पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके चलते उन्होंने आरएसएस से जुड़े 125 स्कूलों को बंद कर दिया है। जी हां, राज्य शिक्षा विभाग ने मार्च 2017 में इन स्कूलों को दिए गए एफिलिएशन की जांच शुरू की थी। जांच से पता चला कि ये सभी 125 स्कूल 3 ट्रस्टों, शारदा शिशु तीर्थ, सरस्वती शिशु मंदिर और विवेकानंद विद्या विकास परिषद द्वारा चलाए जा रहे हैं, जो विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान से एफिलिएटेड है। वहीं आपको बता दें कि राज्य सरकार के इस निर्णय के बाद भारी विवाद शुरू हो गया है। ममता सरकार के इस कदम की आरएसएस और बीजेपी ने तीखी आलोचना की है। बीजेपी नेता विनय कटियार ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि ममता बनर्जी वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसा कर रही है। बता दें, राज्य में आरएसएस से जुड़े करीब 400 स्कूल हैं, जिसमें से अब तक 125 स्कूलों को बंद कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि जिन स्कूलों को बंद किया गया है उनके पास नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट नहीं है। वहीं बंगाल में कुछ स्कूल ऐसे हैं जो प्रदेश के सिलेबस के अनुसार नहीं चल रहे हैं, जिसके तहत इन स्कूलों को बंद कर दिया गया है। वहीं दूसरे स्कूलों की अभी जांच जारी है। वायरल क्रीड़ा न्यूज़।